हेलो गाइज, मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति आईटीआई कॉलेज चूरू स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ईडी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो गाइज, हमें जब इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं तो हमें ये जो ड्राइंग है वो अपने हाथों से बनानी पड़ती है, और उसमें टोटल 5 से 6 क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो गाइज, हमारे 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सिंबल से संबंधित। हो सकता है 10 के आ जाएं, लेकिन मैक्सिमम 20 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइज, हम आज बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर सिंबल बनाने की। तो मैं आपको ये विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ कि आपके एक क्वेश्चन आता है उसमें 10 सिंबल पूछे जाते हैं, और वो आपको सिंबल बनाने होते हैं। अगर नाम दे दिए तो सिंबल बनाने होंगे, और अगर सिंबल दे दिए तो उनके नाम बताने होंगे। तो गाइज, मैं आपके लिए 2 या 2 से 3 वीडियो लेके आऊंगा इस 20 नंबरों के लिए। ओके गाइज, तो चलते हैं अपन आज आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे, और उस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट बात करेंगे सिंबल सिंबलों के बारे में, कि सिंबल क्या होते हैं। सिंबल होते क्या हैं कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल के अंदर हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या किसी चीज को समझने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहीं हमें फैन लगाना है तो हम वहां पे फैन का सिंबल बना के छोड़ देते हैं कि हमें भैया यहाँ पे फैन लगाना है। हम कोई भी ड्राइंग तैयार करते हैं, ड्राइंग तैयार करने का मतलब कहाँ लैंप लगाना है, कहाँ फैन लगाना है, और कहाँ ट्यूबलाइट लगानी है, जो भी हमें लगाना है, कौन सी उसको सप्लाई देनी है, तो हम उसको सिंबल के द्वारा शो करते हैं। तो आज हमारा पहला चलेगा यहाँ पे 1 नंबर। 1 नंबर अगर कोई पूछ ले एसी, जैसे हमारे क्या होती है एसी सप्लाई होती है, तो उसका सिंबल क्या होता है, ये देखो नाम है, मैं यहां पे लिख देता हूं नाम, और यहां पे क्या कर दिया सिंबल, क्या कर दिया सिंबल, यहां पे मैं सिंबल बनाऊंगा। तो गाइज, एसी का सिंबल अगर बात करें तो एसी का सिंबल किस प्रकार का होगा, तो ध्यान में रखिएगा, ये मैंने यहां पे सिंबल है बना दिया है, ये किसका सिंबल है, एसी का सिंबल है। ओके गाइज, हम अगले बात करते हैं 2 नंबर पे, किसकी, डीसी की, कि डीसी का सिंबल है वो कैसा होता है। तो गाइज, आपको पता है कि डीसी वह विद्युत धारा है जिसका मान और दिशा समय के साथ नियत रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते। तो ये गाइज डीसी का सिंबल हमारा ये हो जाएगा, ये सीधी लाइन, ये सीधी रेखा, ये क्या है डीसी का सिंबल है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट 3 नंबर का सिंबल, हमें सिंगल फेज एसी 50 हर्ज का सिंबल बनाना है। नाम दे दिए यहां पे सिंगल फेज एसी, और सप्लाई की बात करें तो 50 हर्ज इसका अगर सिंबल बनाना है, तो आपको पता है मैंने ऊपर एसी का सिंबल बनाया है, एसी का सिंबल ये क्या है, एसी का सिंबल है, और ये सप्लाई कौन सी है सिंगल फेज, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा सिंगल फेज, और यहां पे क्या लिखूंगा 50 हर्ज। हर्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, तो वो हो जाएगा हमारा सिंगल फेज एसी सप्लाई 50 हर्ज, ये इसका सिंबल हो जाएगा। ओके गाइज, हम आगे बात करते हैं 4 नंबर सिंबल की, आपको हर जगह काम में आएंगी ये चीजें, ठीक है, तो आप इनको साथ साथ में याद करते जाइएगा, अपने नोटबुक में बनाते जाइएगा, ताकि आपको एग्जाम के टाइम ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा 3 फेज क्यों सप्लाई, हम 2 प्रकार की सप्लाई को इस्तेमाल करते हैं, सिंगल फेज एसी की, सिंगल फेज एसी को, और सिंगल फेज सॉरी 3 फेज एसी को, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उस सिंगल फेज में और 3 फेज में समान रहती है। तो यहां पे बात कर रहे हैं 3 फेज एसी की, तो उसका सिंबल कैसा होगा, अगर एसी की बात हो रही है तो एसी का सिंबल ये हो गया जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। अगर 3 फेज है तो हम यहां पे कर देंगे 3 फेज, और
50 हर्ज। ओके गाइज, 50 हर्ज। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिंबल नंबर 5, सिंबल नंबर 5 हम किसका बनाएंगे, थ्री फेज लाइन का बनाएंगे, कि हमें थ्री फेज लाइन का सिंबल बनाना है, थ्री फेज लाइन। ओके गाइज, थ्री फेज लाइन की अगर बात की जाए तो आपको पता है तीन लाइन खींचनी है, तीन समानांतर लाइन खींचनी है, एक दो और तीन, ये क्या है, तीन समानांतर लाइन है। ओके गाइज, ये थ्री फेज लाइन है तो मैं यहां पे शो कर दूंगा, क्या शो कर दूंगा, एल वन एल टू और एल थ्री, ये हमारा थ्री फेज लाइन का सिंबल हो गया। ओके गाइज, आप अगर ड्राइंग बनाओ तो इसको थोड़ा सा अच्छे बनाना, सीधा बनाना, मैं हालांकि कोशिश कर रहा हूं अच्छे बनाने की, लेकिन आप मेरे से अच्छी ड्राइंग बनाइएगा। ओके गाइज, जितनी आपकी ड्राइंग के अंदर सफाई होगी उतने आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 6 नंबर का जो सिंबल है वो हम बनाएंगे न्यूट्रल लाइन का, न्यूट्रल लाइन। न्यूट्रल लाइन के अगर सिंबल की बात की जाए गाइज, तो हमारा ये हो जाएगा, जिसमें ये लाइन है ये सेम है, इसका आकार क्या है, बिल्कुल सेम है, तो ये हमारी कौन सी लाइन है, न्यूट्रल लाइन। देखो, एक तो होती है फेज, एक होती है न्यूट्रल, और थ्री फेज में क्या होते हैं, तीन फेज होते हैं, तो ये हमारी न्यूट्रल लाइन का सिंबल हो गया। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन सिंबल, नेक्स्ट सिंबल 7 नंबर सिंबल, हम अर्थ लाइन की बात करें, अर्थ का जो सिंबल है वो अलग होता है और अर्थ लाइन का सिंबल है वो अलग होता है। तो गाइज, हम बात करते हैं यहां पे अर्थ लाइन की, किसकी बात करते हैं, अर्थ लाइन की, किसकी बात करते हैं, अर्थ लाइन की। तो अर्थ लाइन की अगर बात की जाए तो उसका सिंबल होगा कुछ इस प्रकार से, यानी एक बड़ी लाइन, एक बीच में छोटी, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, ये क्या है, अर्थ लाइन है। तो आप न्यूट्रल लाइन, अर्थ लाइन और थ्री फेज लाइन के बीच में अंतर तो आप समझ गए होंगे कि अर्थ लाइन का सिंबल कैसा होता है, न्यूट्रल लाइन का सिंबल कैसा होता है और थ्री फेज लाइन का सिंबल कैसा होता है। ओके गाइज, मैं बिल्कुल सिंबल के लेवल पे, बिल्कुल आपके लिए बेसिक जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं, मैं आपके लिए आगे भी ड्राइंग लेके आऊंगा, आगे भी अच्छी ड्राइंग आपको प्रोवाइड करूंगा, आप बस प्रैक्टिस करते रहें, जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपकी, उतना आपका पेपर अच्छा होगा। ओके गाइज, हम 8 नंबर सिंबल की बात करते हैं, 8 नंबर का सिंबल। ओके गाइज, मैं ये चाहता हूं कि अभी 8 मिनट हो गई हैं और 8 नंबर का सिंबल चल रहा है, मैं ये चाहता हूं कि आपके 30 से 40 सिंबल हो जाएं एक वीडियो में। ओके गाइज, हमारा अगला सिंबल रहेगा अर्थ लाइन का, ये क्या है, सॉरी, अर्थ लाइन का सिंबल तो हो गया, हम आगे बात करेंगे अर्थ का। अर्थ किसको बोलते हैं, पृथ्वी को, और पृथ्वी के अंदर क्या करते हैं, हमें अर्थिंग करते हैं, तो अर्थ का सिंबल क्या होगा, ये मोस्ट क्वेश्चन है गाइज, और सीधा सा आसान क्वेश्चन है। तो अर्थ का सिंबल गाइज ये हो जाएगा, ये अर्थिंग का, अर्थिंग भी पूछ सकता है और अर्थ भी पूछ सकता है, तो ये अर्थ का है वो सिंबल हो जाएगा गाइज। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्या सिंबल, हमारा अगला और नेक्स्ट सिंबल है वो होगा सेल का, हमारा सेल, सेल का, ये मैं यहां पे केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा गाइज, यहां पे मैं बात कर रहा हूं सेल की, हमारा अगला जो सिंबल है वो सेल का होगा। तो सेल के अंदर क्या होते हैं, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो गाइज, ये हमारा हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा हो गया नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल हमने दोनों दर्शा दिए हैं। ओके गाइज, तो ये हमारा किसका सिंबल हो जाएगा, सेल का। और ये आपको बताइए, सेलों के समूह को, सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, तो आगे हमें बैटरी का सिंबल बनाएंगे। ओके गाइज, किसका सिंबल बनाएंगे, बैटरी का,
बैटरी का हम सिंबल बनाएंगे तो कई सारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं। ये क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और इसको मैं क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया। यहां पे मैंने क्या दर्शा दिया, प्लस, क्योंकि ये प्लस का है, और लास्ट वाला मैंने क्या दर्शा दिया, ऋणात्मक माइनस, ये माइनस का है। तो गाइज ये हमारा किसका सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया गाइज बैटरी का। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये जो सिंबल है ये बैटरी का होगा, ये जो सिंबल है वो सेल का होगा, और सेलों के समूह को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ओके गाइज, हमारा अगला सिंबल होगा क्रॉस वायर का। किसका होगा, क्रॉस वायर का। 11 नंबर का सिंबल है वो क्रॉस वायर का होगा, यानी हम यहां पे लिख देते हैं क्रॉस वायर, क्रॉस वायर, ये हमारा क्रॉस वायर का सिंबल होगा, जिसमें दो वायर होंगे और इसमें क्या होगा, क्रॉस होगा, बिल्कुल। तो ये हमारा क्रॉस वायर का सिंबल हो गया। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट, हमारा अगला और नेक्स्ट के सिंबल कौन सा होगा, हमारा अगला और नेक्स्ट सिंबल, सिंबल नंबर 12। 12 नंबर का सिंबल कैसा होगा गाइज, जोड़ का। अगर बात करें जोड़ की, तो तारों में जो जोड़ लगाते हैं उसकी बात करते हैं, तो ये क्या है, ये जोड़ का सिंबल हो गया गाइज हमारा। यहां पे क्या है, हम ये जोड़ कर दिया, हमने जोड़ दिया है इसको, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंबल जोड़ का सिंबल हो गया। ओके गाइज, हमें आगे 13 नंबर सिंबल की बात करते हैं। हम 13 नंबर सिंबल की बात करते हैं, और 13 नंबर में दे देते हैं हम सिंगल वे स्विच। भाई हमारे पास है स्विच होता है, सिंगल वे स्विच, उसका सिंबल कैसा होता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सिंगल वे स्विच, सिंगल वे स्विच। ओके गाइज, सिंगल वे स्विच का सिंबल कैसा होता है, तो यहां पे हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये गाइज सिंगल वे स्विच है, ये सिंगल वे स्विच का सिंबल है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट, हमारा अगला और नेक्स्ट सिंबल, हम यहाँ पे इस पेज में 15 नंबर सिंबल, 15 सिंबल की बात करेंगे, और आगे हम और बात करेंगे। हमें सिंगल वे स्विच की हमने बात की, आगे हम बात करते हैं 14 नंबर टू वे स्विच। कौन सा स्विच है, टू वे स्विच। टू वे स्विच की अगर बात की जाए, टू वे स्विच के अगर सिंगल वे की बात की जाए, सिंबल की बात की जाए, तो गाइज वो हमारा इस प्रकार से होगा, टू वे स्विच, वन और टू और थ्री। इसमें क्या होता है कि एक है वो सी पत्ती है वो परमानेंट रूप से जुड़ी हुई होती है। ओके गाइज, ये हमारे क्या हो गए, टू वे स्विच का सिंबल हो गया। और एक क्या होता है, एक क्या होती है, डैश डैश डैश, ये क्या है, पत्ती कभी इधर जुड़ जाती है, ये कभी इधर जुड़ जाती है, तो ये हमारा टू वे, ये क्या है, टू वे स्विच का सिंबल है। कौन सा स्विच है, टू वे स्विच का सिंबल। ओके गाइज, हम आगे बात करते हैं इंटरमीडिएट स्विच। एक लैंप को दो या दो से अधिक स्थानों के स्थानों से, एक लैंप को दो या दो से अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए हमें इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज, हम यहां पे 15 नंबर पे, 15 नंबर पे हम बात करते हैं इंटरमीडिएट स्विच की। किसकी बात करते हैं, इंटर मीडिएट स्विच की। किसकी बात करते हैं, इंटरमीडिएट स्विच की। तो इंटरमीडिएट स्विच की बात करें तो उसमें चार टर्मिनल होते हैं, एक दो तीन और चार, और इनके चार ये वायरे जुड़े हुए होते हैं। ओके गाइज, इसमें क्या होता है कि ये आपस में कनेक्ट रहते हैं, ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल है, इंटरमीडिएट स्विच का ये हमारा सिंबल है, इंटरमीडिएट स्विच का। ओके गाइज, हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट,
हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट है, आप इसका चाहो तो गाइजे, आप इसका 15 नंबर के जो सिंबल हैं उसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार फिर से देख लीजिएगा, एसी का सिंबल, डीसी का सिंबल, सिंगल फेज एसी 50 हर्ज का सिंबल, थ्री फेज एसी 50 हर्ज का सिंबल, थ्री फेज लाइन का सिंबल, न्यूट्रल लाइन का सिंबल, अर्थ लाइन का सिंबल, अर्थ का सिंबल, सेल का सिंबल, बैटरी का सिंबल, क्रॉस वायर का सिंबल, जोड़ वायर का सिंबल, सिंगल वे स्विच का सिंगल सिंबल और टू वे स्विच का सिंबल और इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल। ओके गाइज, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आगे चलता हूं सिंबल नंबर 16 पे। ओके गाइज, 16 नंबर सिंबल पे हमें आगे चर्चा करेंगे। ओके गाइज, हमें 16 नंबर सिंबल की बात करते हैं। 16 नंबर सिंबल, तो 16 नंबर सिंबल में हमें बात करते हैं आईसीडीपी स्विच की। किसकी बात करते हैं? आईसीडीपी स्विच। ये हमारा 16 नंबर का सिंबल होगा यहां पे आईसीडीपी। यहां पे मैं लिख देता हूं आईसीडीपी आयरन क्लेड डबल पोल स्विच, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। इसकी अगर बात की जाए तो गाइज मैं इसका सिंबल बना देता हूं, ये हमारा डबल पोल का है। ओके गाइज, इसका सिंबल आप ध्यान से देख लीजिएगा और ड्राइंग मेरे से अच्छी बनाइएगा। ओके, तो हमें आईसीडीपी की बात करते हैं। ये गाइज यहां पे से क्या है कि ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, आईसीडीपी स्विच का सिंबल हो गया। ये एक साथ कनेक्ट होंगे, ध्यान रखना। तो मैंने ये सिंबल इस प्रकार से दर्शाया है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट आईसीटीपी 17 नंबर का सिंबल होगा हमारा, 17 नंबर का आईसीटीपी आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। अगर ट्रिपल पोल की बात आती है तो एक दो और तीन, तो एक दो तीन और एक दो तीन, और ट्रिपल पोल है तो ये एक ये दो ये तीन। ओके गाइस, तो ये हमारा कौन सा सिंबल हो जाता है, आईसीटीपी आयरन क्लेड ट्रिपल पोल का ये हमारा सिंबल हो जाता है। आगे बात करते हैं गाइज हमें अगले 18 नंबर सिंबल की, डीपीडीटी डबल पोल डबल थ्रो, जिसका 18 नंबर सिंबल है डीपीडीटी। और इसका क्या होगा, डीपीडीटी का क्या होगा, डीपीडीटी स्विच। ये सब स्विच है गाइज, ये भी स्विच है, ये भी क्या है, स्विच है। और डीपीडीटी, डीपीडीटी की फुल फॉर्म गाइज है डबल पोल डबल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो। तो ये हमारा किस प्रकार का स्विच होगा वो देखिएगा गाइज, यहां पे एक दो तीन, एक दो तीन, और यहां पे हमने क्या कर दिया, ये वायर जोड़ दिए। ये आपका इस प्रकार का आपका ये सिंबल होगा। ओके गाइज, ये डबल पोल डबल थ्रो प्रकार के होते हैं। ओके, यहां पे क्या है, एक साथ कनेक्ट होंगे, ये क्या है, डीपीडीटी डबल पोल डबल थ्रो। ओके, ये हमारे डीपीडीटी का सिंबल है। ओके गाइज, आगे हम बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। सर्किट ब्रेकर के हमें सिंबल बनाते हैं और वो किसके, ओएल सर्किट ब्रेकर के। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सिंबल नंबर 19, ओएल सर्किट
ब्रेकर, ओएल सर्किट है, ब्रेकर का हमें यहाँ पे सिंबल बनाते हैं, ओएल सर्किट है ब्रेकर का। तो गाइज हमारा यहाँ पे हम इसके दो सिंबल बनाएंगे, नंबर एक और नंबर दो। एक बनाएंगे डीपी डबल पोल और एक बनाएंगे टीपी ट्रिपल पोल, यानी सर्किट ब्रेकर में डबल पोल भी, सर्किट ब्रेकर में डबल पोल के भी स्विच हो सकते हैं और ट्रिपल पोल के भी हो सकते हैं। तो हमारा ये क्या है, सर्किट ब्रेकर है, ये क्या है सर्किट ब्रेकर। और यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक दो तीन चार ये मैंने सिंबल बनाया है, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, ये मैंने यहां पे डैश डैश कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, डीपी का सिंबल हो गया। हम आगे बात करते हैं टीपी की, किसकी बात करते हैं, टीपी की, एक दो तीन। एक दो तीन, एक दो तीन। ओके गाइज आप सिंबल को थोड़ा अच्छा बनाइएगा, और ये हमारा क्या हो गया, एक दो तीन। तो ये आपस में तीन पोल हैं, आपस में कनेक्ट होंगे। तो ये हमारा डीपी का, ये टीपी का सिंबल हो गया। ओके एक आपके मोस्ट सा क्वेश्चन आता है लिंक, क्या आता है लिंक, लिंक का आपके एक सिंबल आ सकता है, एक आपके सिंबल आ सकता है एरियल का, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट सबके करवाऊंगा। जैसे लिंक का सिंबल कैसे होगा, 20 नंबर का सिंबल है वो हमारा होगा लिंक का। तो लिंक का हम सिंबल बनाएंगे, तो एक सीधी सी पहले मैं नाम लिख देता हूं लिंक, या एल आई एन के, ये लिंक है, और हम इसका सिंबल बनाएंगे। तो ये सीधी सी एक पाइप सा होगा, इस प्रकार का होगा लिंक का सिंबल। तो गाइस ये क्या है लिंक। हम 21 नंबर के सिंबल की बात करते हैं, हमें 21 नंबर के सिंबल की बात करते हैं। हमारा 21 नंबर का सिंबल लैंप का, कौन सा 21 नंबर का सिंबल है लैंप का, वो कौन सा लैंप है, प्रकाशित होने वाला वैद्युतिक लैंप है। तो उसकी अगर बात करें तो लैंप का सिंबल होगा गाइस ये कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है, ये क्रॉस का निशान देना है, और यहाँ पे एक राउंडिंग ब्लॉक सा लगा देना है, और यहाँ पे आप दोनों तरफ है दो सिरे दर्शा देना है। तो ये आपका सिंबल होगा लैंप का सिंबल, कैसा होगा लैंप का सिंबल होगा ये। ओके गाइज हमारा अगला और नेक्स्ट 22 नंबर का सिंबल, 22 नंबर में 22 नंबर के सिंबल की हम बात करेंगे प्रतिरोध का, कि प्रतिरोध का सिंबल है कैसा होता है। हम यहां पे लिख देते हैं प्रतिरोध, जिसको आप रेजिस्टर बोलते हो ना, ये वही है प्रतिरोध। ओके गाइज तो हमें प्रतिरोध की अगर बात करें तो प्रतिरोध के सिंबल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका फिक्स या स्थाई प्रतिरोध, फिक्स है प्रतिरोध, और एक होता है वेरिएबल प्रतिरोध, एक होता है वेरिएबल प्रतिरोध, वेरिएबल प्रतिरोध। गाइड में यहां पे आपको पता है तो हिंदी में लिख रहा हूं फिक्स प्रतिरोध और वेरिएबल प्रतिरोध, इसके नीचे मैं सिंबल बनाऊंगा तो आप देख लीजिएगा। तो ये जो प्रतिरोध होता है ये फिक्स प्रतिरोध का सिंबल है, और ये क्या है वेरिएबल प्रतिरोध का सिंबल है, जिसमें मैं इसको क्या दर्शाऊंगा कुछ इस प्रकार से शो कर दूंगा वेरिएबल में। ओके गाइज अगर दूसरी बात की जाए तो प्रतिरोध का सिंबल कुछ इस प्रकार से भी बनता है, ये फिक्स प्रतिरोध का, और
ये वेरिएबल प्रतिरोध का, ये बीच में तीर का निशान है दर्शाना है, फिक्स प्रतिरोध का और एक वेरिएबल प्रतिरोध का। तो मैंने प्रतिरोध के अंदर दो सिंबल बताए हैं, फिक्स का और एक वेरिएबल का। ओके गाइज, हम आगे बात करते हैं 23 नंबर के सिंबल की। 23 नंबर के सिंबल की अगर हम बात करते हैं, हमने एक एक सिंबल में दो दो सिंबल हमें बना रहे हैं। हम आगे बात करते हैं संधारित्र कैपेसिटर, किसकी बात करते हैं, संधारित्र जिसको क्या बोलते हैं हमें, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के सिंबल की अगर बात करें तो ये भी दो होते हैं, नंबर एक फिक्स और दूसरा वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल। बात किसकी हो रही है, संधारित्र की। तो मैंने यहां पे ये भैया आर है और ये आर है रेजिस्टेंस। हम बात करते हैं यहां पे कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर में ये हमारा अस्थाई कैपेसिटर या हम जिसको फिक्स कैपेसिटर बोल सकते हैं, इसके ऊपर सी लिखा होगा, और ये हमारा एक होगा वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर की अगर बात करें तो ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल होगा, ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल होगा, ये तीर का निशान इस प्रकार से होगा, ये क्या होगा, वेरिएबल कैपेसिटर सी। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट सिंबल हमारे यहां पे 23, 24, 25, 26, 26 सिंबल हो गए। कुछ सिंबल मैं आपको और करवा देता हूं इसी के अंदर। ओके गाइज, हमारा यहां पे 24 नंबर का सिंबल होगा, 24 नंबर का सिंबल कौन सा होगा हमारा, 24 नंबर के सिंबल की बात करें तो हम चौक का सिंबल बनाते हैं, किसका, चौक का। और ये चौक कौन सी है, जो हमारी ट्यूबलाइट सर्किट के अंदर काम में ली जाती है, CHOCK चौक। ये हम चौक के सिंबल की अगर बात करें तो ये हमारे चौक का सिंबल है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये क्या एक है, कुंडली है, यानी चौक की कुंडली है। और गाइज, इसके ऊपर क्या होते हैं, ये दो समांतर लाइनें खींची हुई होती हैं। तो ये हमारा किसका सिंबल हो गया, चौक का सिंबल हो गया, किसका सिंबल हो गया, चौक का। आगे बात करते हैं गाइज हमें किसकी, 25 नंबर के सिंबल की। और 25 नंबर के सिंबल में किसका सिंबल होगा, फ्यूज का, हमें फ्यूज का सिंबल बनाना है, किसका, फ्यूज का। तो गाइज ये हमारा फ्यूज का सिंबल है, वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, फ्यूज का सिंबल। ये हमारे फ्यूज का सिंबल हो गया। ओके गाइज, हम बात करते हैं 26 नंबर के सिंबल की। 26 नंबर के सिंबल में हम सॉकेट का सिंबल बनाते हैं, किसका, सॉकेट का। ये क्या है, सॉकेट। और सॉकेट भी दो दो होती हैं, एक तो होती है टू पिन सॉकेट और एक होती है थ्री पिन सॉकेट। हम टू पिन सॉकेट की अगर बात करें तो वो सिंबल कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। टू पिन की बात करें तो वो सिंबल है वो टू पिन वाला बन जाएगा, एक दो। और थ्री पिन सॉकेट की बात करें तो एक फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए और एक अर्थिंग के लिए। तो ये हमारा इस प्रकार का थ्री पिन सॉकेट बन जाएगा और इस प्रकार का हमारा टू पिन सॉकेट बन जाएगा। ओके गाइज, हम आगे बात करते हैं कार्ट्रिज फ्यूज की। 27 नंबर पे हम बात करते हैं कार्ट्रिज फ्यूज की। 27 नंबर पे हम बात करते हैं कार्ट्रिज फ्यूज की। तो कार्ट्रिज फ्यूज की अगर बात करें तो कार्ट्रिज फ्यूज का सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से होगा,
यानी ये एक कार्ट्रिज फ्यूज होगा और यहाँ पे ये दो लाइनें होंगी, नाम लिख देता हूं मैं कार्ट्रिज फ्यूज, वो सिंबल कुछ इस प्रकार से होगा और बीच में क्या होगा ऐसे कुछ आपको एलिमेंट मिलेगा। तो ये हमारा किसका सिंबल हो गया, कार्ट्रिज फ्यूज का। ओके गाइस, ये हमारा कार्ट्रिज फ्यूज का सिंबल हो जाएगा। ओके तो हम चलते हैं आगे गाइस, ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल बनाना, हम 28 नंबर पे ट्रांसफॉर्मर का सिंबल बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मर का यानी ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर का अगर सिंबल हमें बनाना है तो भाई वो कुछ इस प्रकार से होगा, उसमें दो वाइंडिंग होंगी और ये बीच में क्या होता है फ्लक्स लीकेज के लिए दो समांतर लाइनें होती हैं लीकेज फ्लक्स के लिए, और ये हमारी दूसरी वाइंडिंग होगी। यानी ट्रांसफॉर्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक द्वितीयक वाइंडिंग होती है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का सिंबल हो जाएगा। ओके गाइज, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का सिंबल हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आप एक एक सिंबल को जरा गौर से देखिएगा। मैंने वेरिएबल और फिक्स कैपेसिटर के, फिक्स प्रतिरोध और वेरिएबल प्रतिरोध के मैंने अलग अलग करवाए हैं दो दो क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से टोटल आपके 30 से 32 सिंबल हो गए हैं। ओके गाइज।